थावे रेलखंड के सिवान कचहरी स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल बच्चे को पटना रेफर कर दिया गया है। वहीं जिला अधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि सभी मृतक परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। अभी हम लोगों ने एक जो बच्चा सीवियरली इंजर्ड था उसको तो सबसे पहले मेडिकल चिकित्सा के लिए यहाँ से PMCH रेफर किया गया है। जो साथ में रिलेटिव थे उनसे बात की गई और उन लोग जो अपना ये था दुर्घटना के कारण उनसे पूछने पे जानकारी हुई कि इनको ट्रेन अप्रोच कर रही थी बट पता नहीं चला इन लोग को और उसके बाद जान बचाने के क्रम में नीचे कूदे जिसके तहत 4 लोगों की मृत्यु हुई है। आपदा विभाग के अनुसार जो मुआवजा देने का प्रावधान है वो प्रक्रिया हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी पोस्टमार्टम के लिए उनके परिजनों का इंतजार किया जा रहा है। हमारी तैयारी पूरी है। सर आप तक की तरफ से कितना 4-4 लाख की 4 लाख प्रति मृतक जो दिया जाता है वो उनको दिया जाएगा प्रति मौत पे। बताया जा रहा है कि सभी लोग सीवान मजार पर आए हुए थे और ट्रेन पकड़ने जा रहे थे तभी ये घटना हुई। पंजाब केसरी टीवी के लिए सीवान से निरंजन कुमार की रिपोर्ट।